आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। जनता को लूट कर जो विधायक खरीदते, जनकर जो विधायक खरीदते, विधायक तो हमारे भी है। और बीजेपी का तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि हमारे विधायक दलालो जरा सुनो, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है, एक दल पे कुर्बान होता है, अपने विधायकों पे तो गुमान होता है। दलालो जरा सुनो, दलालो जरा सुनो, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान होता है, एक एक केजरीवाल पे कुर्बान। कभी निकल गया समझो जनाजा बीजेपी, कभी निकल गया समझो जनाजा बीजेपी, कभी निकल गया। आखिरी लाइन सुन लो, उसके बाद ये माइक दादिन भाई को सौंपता हूँ। आखिरी लाइन वो कहते हैं कि मोदी जी इतना ही नहीं है, टेंशन क्या है अमित शाह को, सुनना। रास्ता 24 का कैसे कटेगा, रास्ता 24 का कैसे कटेगा, वह में कर केजरीवाल डटेगा, भूले से अब मनीष को जो छेड़ा, वही पर केजरीवाल ये फटेगा, भूले से जो मनीष जी को छेड़ा, वही पर केजरीवाल ये फटेगा। पूरे भारत ने अब हमसे बोला, क्यों जहर हमने नफरत का घोला, हो चुकी खत्म बाजीगरी, अब बूंद लो जल्दी से अपना झोला, हो चुकी आखिरी लाइन, हो चुकी खत्म बाजीगरी, अब बूंद लो जल्दी से अपना झोला। मैं तो संभल गया, अमीषा कह रहे हैं मैं तो संभल गया, पसीना निकल गया, त्याँ 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 साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। दोनों हाथ भाई आखिरी लाइन, दोनों हाथ भाई बोलना ताली बजाइए। साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया, साहेब ये ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया, अपनी विदाई का ही समझो खेल हो गया। भारत माता की, इंकलाब, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीबीआई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सहनाथ भाई। दोस्तों, साथियों हम सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम सारे लोग ये पूछने आए हैं कि 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई ने रेड डाली, कितने घंटे, 14 घंटे, पूरा घर छान मारा, गद्दा फाड़ दिया, तकिया फाड़ दी, चादर पलट दिया, प्लास्टर खोद डाले, लेकिन आज 8 दिन होने जा रहा है, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया कि मनीष जी के घर पे क्या मिला। तो हम सारे लोग एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा भाजपा जवाब दो, आप लोग बोलेंगे सीबीआई की जांच का हिसाब दो, मैं बोलूंगा भाजपा जवाब दो, आप सारे लोगों को बोलना है सीबीआई जांच का हिसाब दो, भाजपा जवाब दो, अरे भाजपा जवाब दो, अरे भाजपा जवाब दो, अरे मोदी जी जवाब दो, अरे मोदी जी जवाब दो, अरे भाजपा जवाब दो, अरे बीजेपी जवाब दो, अरे बीजेपी जवाब दो, बीजेपी जवाब दो, अरे भाजपा जवाब दो, अरे मोदी जी जवाब दो, अरे मोदी जी जवाब दो, अरे मोदी जी जवाब दो, अरे बीजेपी जवाब दो, अरे बीजेपी जवाब दो,
जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब। दोस्तों, इससे पहले कि हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ें, इससे पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी से जाकर ये पूछें, लेता हूं 20,000 करोड़ का हो गया। फिर वो संबित पात्र आ गए, बोले कि नहीं 20,000 करोड़ का नहीं, मैं तुम चारों से बड़ा नेता हूं, 25,000 करोड़ का हो गया। तब तक वो आदेश गुप्ता आ गया, उसने कहा जी मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं तो छोटी बात तो मैं कर ही नहीं सकता। उसने कहा जी 1.5 लाख करोड़ रुपए घोटाला हो गया। अरे भाजपा वालों, हम तुमसे पूछ रहे हैं 1.5 लाख करोड़ छोड़ो, 1.5 लाख रुपए तो दिखा दो भ्रष्टाचार का। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, ये तुम्हारे सीबीआई ईडी से नहीं डरने वाले। इनका एक ही मकसद है, जब से आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, पूरी भाजपा पागल हो चुकी है। 27 साल से इन्होंने पूरे गुजरात को लूट लिया, एक एक आदमी परेशान है। पूरे गुजरात को शराब का माफिया का इंडस्ट्री चलाता है, 10-22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स मिले, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। जहरीली शराब में 100 लोगों से ज्यादा लोग मर गए, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। जब से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, हमारे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने, गुजरात की जनता ने जब से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, इनको पता है कि इनका किला ढह रहा है, इनको पता है कि इनका साम्राज्य खत्म हो रहा है। इसलिए ये सारे लोग बस एक ही चीज में लगे हैं कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करें। आम आदमी पार्टी बदनाम नहीं हो सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्चे और ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज यहाँ पूरी दिल्ली की जनता आई है, आईटीओ से लेके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक कसाकस लोग खड़े हुए हैं, एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, सीबीआई जांच में मोदी जी बताओ, सीबीआई जांच में एक एक भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता से पूछ रही है। ये हमारी ईमानदारी है, आंखों में आंखें डालकर इनकी छाती पे चढ़ के कह रहे हैं जी बताओ सीबीआई जांच में मिला क्या। हिम्मत है तो बताओ सीबीआई जांच के अंदर मिला क्या। साथियों, अभी यहां से चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे और यही पूछेंगे, सीबीआई जांच में आओ, सभी लोग चलते हैं। भारत माता की। Thank you.
हिसाब दो, सीबीआई ने का हिसाब दो। अरे बात वालों साहब दो, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मोदी जी जब तक डरते हैं सीबीआई को आगे, मोदी जी जब तक डरते हैं होगा। सीबीआई जांच का हिसाब दो, 16 घंटे तक जांच करे। अरमोदी जी के घर पे मनीष जी के तकिया को, मनीष जी के अरमोदी जी हिसाब दो, मनीष जी के अरमोदी चाची को वहाँ जाकर के उन्होंने जमीन कुरेद कर जांच किया। अब एक बात बताइए आप, अरे आज दिन में अभी सीबीआई ये नहीं बताई है कि आखिर मिला क्या, किस ठिकाने पर आपने छापा मारा, आखिर मिला क्या? मनीष जी के मोबाइल ले गए, मनीष जी का लैपटॉप ले गया, मनीष जी के सारे फाइल ले गए, लेकिन आज अरे 14 घंटे का हिसाब बता नहीं पाई सीबीआई कि वास्तव में अरे क्या मिला। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने आए हैं, प्रधानमंत्री जी अब आप ही बता दीजिए, आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप पे जनता भरोसा कर दिया, आप बताइए कि सीबीआई के जांच में वास्तव में क्या मिला। और अगर आज आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बात भ्रष्टाचार की नहीं थी, बात किसी जांच की नहीं थी। जब आप लग रहा है कि गुजरात में आप बुरी तरह हार रहे हैं, तो गुजरात की हार की अग्रिम बौखलाहट ये दर्शाता है कि आप अपने ईडी, अपने सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी के मंत्री को, आम आदमी पार्टी के विधायक को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप धमकाना चाह रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं। एक बात जान लीजिए, आंदोलन से आए हुए लोग हैं हम, आपके इस विक्रम से हम नहीं डरने वाले। इस बार आपका पाला ईमानदार लोगों से पड़ा है, ईमानदार पार्टी से पड़ा है, कट्टर ईमानदार लोगों से पड़ा है, इस बार जमीन पर लाके छोड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी के और तमाम दिल्ली के लोग मिलकर आज यहाँ पर आए हैं भाजपा कार्यालय पर, और उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री, विश्व के सर्व शिक्षा मंत्री के घर पे जो रेड की थी 14 घंटे, उस 14 घंटे की रेड में आपको क्या मिला? आपने उनके घर के अंदर गए, आपने उनका बाथरूम चेक किया, उनका मंदिर चेक किया, उनका रसोई घर चेक किया, खाने के डब्बे चेक किए, उनका गाँव का पुस्तानी घर चेक किया, सब कुछ चेक किया, आखिर आपको क्या मिला है? देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिस शिक्षा मंत्री को बदनाम करने के लिए आपने सब प्रबंध किया था, उनके घर पर क्या मिला आज, ये जानने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग, जवाब जानने के लिए सब लोग दिल्ली के लोग आए कि भाजपा वालों ये बताओ कि तुम्हें 14 घंटे की रेड के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री, देश के सर्व शिक्षा मंत्री के घर पे क्या मिला? सब कुछ तुमने जांच कर लिया था, क्या मिला उसके बाद? यानी कि इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, शिक्षा मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये प्रबंध रचा गया था, ये खेल रचा गया था। आज इस खेल का पर्दाफाश पूरे दिल्ली के सामने हो गया है, पूरे देश के सामने हो गया है, और पूरा देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और ईडी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए करते हैं, उनके एमएलए खरीदने के लिए करते हैं, ये बात आज स्पष्ट हो चुकी है। और आज हम ये हिसाब मांगने के लिए इनसे आए हैं, जवाब मांगने के लिए आए हैं कि आपको कितना सोना मिला, कितना चांदी मिला, कितने नोट मिले, कितनी गड्डियां मिली, कितनी बेनामी संपत्तियां मिली, बताइए मेरे दो मोदी जी, सीबीआई के अधिकारियों आप भी बताइए, भाजपा वाले बताइए, जो बड़े बड़े प्रवक्ता कहते थे मनीष सिसोदिया के पास ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, वो बताएं जनता को, बताएं क्या मिला। अरे भाजपा जवाब दो, अरे भाजपा जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, भाजपा जवाब दो, भाजपा जवाब दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी सीबीआई के बल पे तेरी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे ईडी सीबीआई के बल पे तेरी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब
करवाने होता है। और जो लाइन आ रही है आपकी, तालियां इसी जबरदस्त बननी चाहिए कि ये तालियां भाजपा वालों के कान के कीड़े झाड़ दे। ऐसी तालियां, बोली लगाने वाले दलालों जरा सुनो, बोली लगाने वाले दलालों, बोली लगाने वाले दलाल। क्या आखिर मनीष सिसोदिया जी के घर में 14 घंटे रेड डालने के बाद सीबीआई को क्या मिला? मैं गुजारिश करूंगा हमारे एमसीडी के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के विधायक भाई दुर्गेश पाठक जी से कि आप सबको एक बार संबोधित करें, उसके बाद हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सीबीआई जांच का हिसाब तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि सीबीआई की जांच में क्या मिला। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई दुर्गेश पाठक जी का। भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आज पूरी दिल्ली की जनता यहाँ इकट्ठी हुई है, जहां भी नजर घुमाओ हर तरफ लोग आए हुए हैं। सब लोग अपने मन में एक प्रश्न लेके आए हुए हैं, एक जवाब हम लोग यहाँ पे मांगने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगने आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से जवाब मांगने आए हैं। आज के 10 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दुनिया के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री के ऊपर इन्होंने सीबीआई रेड की। आज 10 दिन हो गए, 14 घंटे की रेड रही, उनके घर में रेड चली, उनके घर में 14 घंटे की रेड हुई, घर का एक एक कोना छान मारा, किचन की जो चावल और दाल थे उसमें भी हाथ डाल डाल के चेक किया, कंप्यूटर उठा ले गए, फोन उठा ले गए, सारी फाइलें उठा ले गए। आज 10 दिन हो गए, उनके गांव पे भी छापा पड़ा, उनकी पुश्तैनी घर में भी जांच हुई, जमीन खोद डाला, दीवार ठोक ठोक के चेक किया। आज 10 दिन हो गए, पूरी दिल्ली की जनता, पूरा देश ये जानना चाहता है सीबीआई से कि आज 10 दिन हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने दुनिया के सबसे शानदार शिक्षा मंत्री के ऊपर आपने रेड करवाया, आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आज 10 दिन हो गए, उस सीबीआई रेड में मिला क्या? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हम पिछले एक हफ्ते से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने रेड किया, मिला क्या? जैसे ही हम पूछते हैं रेड किया मिला क्या, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भाग जाते हैं, इनको रास्ता नहीं मिलता। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ईमानदार पार्टी आई है। आज तक जब सरकारें सीबीआई रेड करती थी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो वो सीधे सीधे कहते थे जी हमारे को बचा लो, किसी तरह से हमारे को बचा लो, हमारे को बचा लो। आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है कि सीबीआई रेड के बाद 10 दिन बाद पूछने आ रहे कि बताओ मिला क्या, तुम्हारे अंदर औकात है तो बताओ क्या। ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की नई राजनीति है। अगर तुम्हें लगता है कि हम सीबीआई ईडी और इन सब से डर जाएंगे तो तुम गलत फहमी में हो। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मिला क्या? सीबीआई रेड आपने कराई, 14 घंटे रेड चली, मिला क्या? साथियों आजकल ये खूब घूमते रहते हैं, खूब सारी बात करते हैं, भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया। बड़ी जब इनसे पूछते हैं जी भाई घोटाला क्या हुआ, तो मनोज तिवारी आए बोले 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर वो गौरव बख्शी आ गए, नहीं गौरव भाटिया आ गए, उन्होंने कहा मनोज तिवारी तुम छोटे नेता हो,
मैं बड़ा नेता हूं, मैं बता रहा हूं 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर वो प्रवेश वर्मा आ गए, उन्होंने कहा तुम दोनों छोटे नेता हो, 15,000 करोड़ का हो गया। फिर शहजाद पूना वाले आ गए, उन्होंने कहा तुम तीनों छोटे नेता हो, मैं बड़ा। जो पूरा संघर्ष चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि हम चाहते हैं सीबीआई ने 10 दिन से ज्यादा हो गए मनीष सिसोदिया जी तरह मारी, उसमें क्या निकल के आया आज तक आपने बताया नहीं, सीबीआई जांच में क्या गलत निकल के आया, अगर कुछ गलत नहीं है तो ये सीबीआई गुजरात इलेक्शन के डर के मारे क्यों आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष जी ने डर मारा, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है। क्या मामला था पूरा बताइए। देखिए आज आईटी से लेकर जनता पार्टी के दफ्तर में दिल्ली के लोग खचाखच भरे हुए हैं और ये सारे लोग मोदी जी से पूछने आए हैं कि देश के सबसे सर्वोच्च शिक्षा मंत्री, देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी को संभाला, जिसने इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर जन्म किया है, उसके घर पर 14 घंटे सीबीआई के रेड डाले जाते हैं, उसके घर पर गद्दे फाड़ दिए जाते हैं, तकिया फाड़ दिया जाता है, चादर फाड़ दी जाती है, दीवालों को ठोक ठोक कर देखा जाता है और आज 10 दिन होने जा रहे हैं। ये लोग ये जानना चाह रहे हैं, हम सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी बताएं कि मनीष सिसोदिया के घर में जो सीबीआई की रेड डाला, सीबीआई ने रेड डाला है, उसमें क्या मिला, आखिर क्या मिला। एक एक गली में, शहर में, पूरी दुनिया में अब मोदी जी सबको बताते फिर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया। हम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष जी के घर पे सीबीआई ने जांच डाली 14 घंटे तक जांच करती रही और मनीष जी के घर पे क्या मिला। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी संवारी है, उसके घर पे आप सीबीआई की जाँच करते हैं। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया है, आप उनके घर पे सीबीआई की जाँच करते हो। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके शिक्षा का डंका विदेशों में बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जब महासचिव, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल को देखते रह जाते हैं। आज उसी शिक्षा मॉडल के जनक मनीष सिसोदिया के घर पर आप सीबीआई का छापा मारते हैं और आज तक ये बता पाने की हैसियत में नहीं है कि आखिर उनके घर से क्या मिला। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भाजपा घबराई हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल गुजरात में दस्तक दे चुका है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई हुई है। हेलो 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 भाई साहब, भाई साहब थोड़ा पीछे जाओ। हाँ जी, जो कहा खड़ा वहाँ बैठ जाओ, जो कहा खड़ा है वहाँ बैठ जाओ। हिसाब दो और 14 घंटे का हिसाब दो, हिसाब तो तुमको देना होगा, हिसाब तो तुमको देना होगा। अरे सीबीआई